लाइसोसोमल डिजीज एक और टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। तो ये म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस ये भी लाइसोसोमल डिजीज है और इसमें यहाँ पे दो चीज़ दी गई है, हम दोनों डिजीज को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हर्लर सिंड्रोम। तो देखिए हर्लर सिंड्रोम में क्या होता है, अल्फा एल आइडियोरोनाइडेज इसकी डिफिशेंसी हो जाती है जिसकी वजह से देखिए हिपेरन सल्फेट बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है और डर्मेटन सल्फेट भी बॉडी में एक्युमुलेट होता है। तो और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है। तो देखिए डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, स्केलेटल एनामलीज देखने को मिलती हैं और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है और क्लाउडेड कॉर्निया, ये क्लाउडेड कॉर्निया देखने को मिलेगा और देखिए हिपेटो स्प्लिनोमेगेली यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा फिर दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए हंटर सिंड्रोम। हंटर सिंड्रोम में देखिए माइल्ड हलर देखने को मिलेगा प्लस एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, नो कॉर्नियल क्लाउडिंग। तो यहाँ पे देखिए हलर सिंड्रोम में कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने को मिल रही थी लेकिन हंटर सिंड्रोम में कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, तो देखिए आइडियोरोनेट टू सल्फाटेज। तो देखिए यहाँ पे टू टू से इसको याद करने का वो बताया गया तरीका कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि हंटर में देखिए यहाँ पे आइडियोरोनेट टी और टू से देखिए यहाँ पे टू है और सल्फाटेज तो यहाँ पे टी है। तो हमको याद रखना है कि हंटर सिंड्रोम में आइडियोरोनेट टू सल्फाटेज की डिफिशेंसी हो जाती है, इसकी वजह से क्या वही देखिए सेम प्रोडक्ट जो है बॉडी में एक्युमुलेट होने लगेगा, हिपेरन सल्फेट और डर्मेटन सल्फेट ये एक्युमुलेट होंगे। लेकिन फ़र्क देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव था और जबकि ये हंटर सिंड्रोम ये एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम याद रख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे देखिए हलर सिंड्रोम जो है एल है यहाँ पे हलर में, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि अल्फा एल आइडियोरोनाइडेज की डिफिशेंसी होगी और यहाँ पे देखिए हंटर सिंड्रोम में है तो यहाँ पे टी है तो इससे हम याद रख सकते हैं आइडियोरोनेट टू सल्फाटेज की डिफिशेंसी होगी। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया गया कैसे याद रखना है, तो देखिए हंटर सी क्लियरली, हंटर सी क्लियरली यानी यहाँ पे नो कॉर्नियल क्लाउडिंग, यहाँ पे देखिए नो कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी जबकि यहाँ पे कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी। एंड एग्रेसिवली एम फॉर द एक्स, तो एग्रेसिवली एम फॉर एक्स इनका होगा। ठीक है, इसलिए इससे हम याद रख सकते हैं, इससे हम याद रख सकते हैं कि ये एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज है जबकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो इससे इसके जरिए हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हंटर्स यहाँ पे क्या है नो कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने को मिलेगा, हंटर्स सी क्लियरली यानी नो कॉर्नियल क्लाउडिंग और हंटर्स एग्रेसिवली एम फॉर द एक्स मींस आप समझ सकते हैं तो एक्स लिंक रिसेसिव है ये। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे जो सफिंगोलिपिडोसिस की बात की थी तो उसमें हमने सब देख लिया कि टेकीसेक्स डिजीज क्या है। तो टेकीसेक्स डिजीज में यहाँ पे देखिए हेक्सोसामाइनाइडेज ए, तो देखिए हेक्सोसामाइनाइडेज ए से हमको याद रखना कि टे सेक्स, तो देखिए टेकीसेक्स यहाँ से देखिए टी ए से हमको याद रखना कि ये हेक्सोसामाइनाइडेज ए, सेक्स एक्स यहाँ पे आया तो देखिए हेक्सोसामाइनाइडेज, तो इससे हमको रिलेट करना है कि किस एंजाइम की डिफिशेंसी यहाँ पे हो रही है, बाकी तो सब ठीक है। और हाँ, हम शुरू में इसकी बात नहीं की थी, इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। तो देखिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में बताया क्या गया है, देखिए लाइसोसोमल एंजाइम डिफिशेंसी, तो लाइसोसोमल एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाएगी जिसकी वजह से एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया। और इसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टे सेक्स डिजीज का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, नीमन पिक डिजीज का इंसिडेंस बढ़ जाएगा एंड सम फॉर्म्स ऑफ गाउचर डिजीज इन एशकेनाजी ज्यूस, और सम फॉर्म ऑफ गाउचर डिजीज का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। और ये गाउचर डिजीज को यहाँ पे रिलेट किया गया है एशकेनाजी ज्यूस से, क्योंकि एशकेनाजी ज्यूस में ये गाउचर डिजीज बहुत कॉमन है, अबाउट 1/3% में ये गाउचर डिजीज हमको देखने को मिलती है, ये एशकेनाजी ज्यूस जो है, तो उससे हमको रिलेट किया गया है कि गाउचर डिजीज इन एशकेनाजी ज्यूस। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया कि टेकीसेक्स डिजीज़, फेब्री डिजीज़ और मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी और क्रेप डिजीज़ और गाउचर डिजीज़ और निमेनपिक डिजीज़, ये सब देख लिया। इसमें से हमने गाउचर डिजीज़ के बारे में बात किया कि ये मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है और किस एंजाइम की डिफिशेंसी होती है, तो हमने यहाँ पे बात किया। और उसके अलावा फिर हमने म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस की भी बात की, इसमें हमने दो डिजीज़ की बात की, हलर सिंड्रोम और हंटर सिंड्रोम। हलर सिंड्रोम ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और जबकि हंटर सिंड्रोम ये एक्सलिंग रिसेसिव है। और यहाँ पे हमने इसका निमोनिक देखा कि हंटर्स में जो है हमको कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये सी क्लियरली यहाँ पे वो है और हंटर्स एग्रेसिवली एम फॉर द एक्स, एक्स मीन्स समझ ही सकते हैं, तो एक्सलिंग रिसेसिव इससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।